हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि हम लोग आरसीसी में एसबीटीई स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन का जो डिप्लोमा का सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आरसीसी, ओके कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग बात कर रहे हैं आरसीसी का, आरसीसी ओके सब्जेक्ट है हमारे पास आरसीसी ऑलरेडी। स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना है ना, तो हमने बहुत सारे वीडियोस आरसीसी के ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे हम लोग पेपर का क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ये एसबीटीई, ठीक है ना, आरसीसी है एसबीटीई, ठीक है एसबीटीई। और ये पेपर है हमारे पास 2019। ये वीडियो एसएससी मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एसएससी मेन के लिए, मेंस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए हमने एक एक क्वेश्चन समझना है। और सबसे अच्छा ये पेपर में क्या है कि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, सिंगल रिइंफोर्समेंट, डबल रिइंफोर्समेंट, सीयर, उसके बाद कॉलम, स्लैब, फुटिंग, सब के क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके लिए सारे क्वेश्चन को वन बाई वन क्या कराएँ, सॉल्व कराएँ, ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो फर्स्ट हमको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से पढ़िए, वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। शायद क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ओके। सबसे पहले देखिए गिवन क्या कर रखा है। तो हमारा गिवन कर रखा है ए डबल रिइंफोर्समेंट बीम, ठीक है। आपको पता है ये डबल रिइंफोर्समेंट बीम को कब डिज़ाइन किया जाता है, आज हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ये डिज़ाइन क्वेश्चन है, ठीक है। ए डबल रिइंफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम 250 मीटर वाइड, मतलब हमारे को यहाँ पे विड्थ दे दिया, विड्थ हमारे को कितना दिया है 250, और 250 क्या है हमारे पास mm, ठीक है ना, 250 mm विड्थ है। एंड इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी इट इज़ इक्वलेंट 500 mm, ओके कितना हमारे पास 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। कैरीज ए लोड, हमारे को लोड गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये हमारे पास है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हमारे को लोड गिवन कर रखा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर ए इफेक्टिव स्पेन, मीन्स एल का जो वैल्यू दिया हमारे को, ये हमारे पास है 6 मीटर, ओके। डिटरमाइन द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट फॉर द बीम, टेक हमारे को क्या पूछा है, ए एस टी एंड ए एस सी, इनका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। टेक एम 20 एंड एफ ई 415 स्टील, और क्या गिवन कर रखा है हमारे को, एम 20 मीन्स व्हाट इज द एफ सी के, एफ सी के इज द, एफ सी के इक्वल टू हमारे को गिवन किया है स्टूडेंट्स 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। एंड व्हाट इज द एफ वाई, एफ वाई इट इज इक्वलेंट 415, ओके 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे को दो रिजल्ट्स गिवन कर रखे, विड्थ डेप्थ लोड लेंथ ए एस टी ए एस सी एफ सी के एफ वाई, ये हमारे को क्या कर रखे हैं, वैल्यूज गिवन कर रखे हैं। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारे को दे रखा है, ध्यान से देखिए एक पॉइंट, इस क्वेश्चन को इधर हम लोग लेकर जाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये बीम कौन सा है, ये बीम है हमारे पास डबल रिइंफोर्समेंट बीम। जब भी डबल रिइंफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन करना है हमको, तो एक पॉइंट हमको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बना करके देखते हैं, एक डबल रिइंफोर्समेंट बीम, ठीक है, ध्यान से देखिए। डबल रिइंफोर्समेंट बीम का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग जो स्टील होता है उसे बोथ मींस टेंसाइल जोन और कंप्रेसिव जोन में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक हमारे पास ये रिइंफोर्समेंट है, ठीक है, इस टाइप का रिइंफोर्समेंट है, और एक हमारे पास ये वाला रिइंफोर्समेंट है, ध्यान से देखिए स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक हमारे पास क्या स्ट्रेंथ, न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को देखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल एक्सिस है लाइक दिस, ओके दिस वन इज द न्यूट्रल एक्सिस। इस टाइप का जो बीम है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमारे पास है डबल रिइंफोर्समेंट बीम का। जब आप इस पॉइंट को देखेंगे, दिस इज द विड्थ ऑफ द बीम, ओके
बी इज द विड्थ ऑफ द बीम एंड दिस वन इज द कैपिटल डी. ओके दिस वन इज द कैपिटल डी. कैपिटल डी, कैपिटल डी मीन्स ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम. और नेक्स्ट जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंटर, ये जो हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से सेंटर ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल डी. यस और नो, ये सभी को क्लियर है. दिस वन इज़ द स्मॉल डी. ओके दिस वन इज़ द कैपिटल डी, दिस वन इज़ द स्मॉल बी. इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं एग्ज़ाम में, देखिए रिप्रेजेंटेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम में, रिप्रेजेंटेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप कितना सुंदर उस चीज़ों को बना रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, दिस वन इज़ द डी डैश. ओके दिस वन इज़ द डी डैश. डी डैश हो गया हमारे पास ये वाला. ओके दिस वन इज़ द डी डैश. आप सभी को पता है ये वाला जो रिइंफोर्समेंट है, दिस रिइंफोर्समेंट इज द ए एस टी. ए एस टी का मतलब किसके साथ में है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन. ओके एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द ए एस सी. ओके ए एस सी, ए फॉर एरिया, एस फॉर स्टील, सी फॉर कंप्रेशन. कंप्रेशन जोन में यूज होने वाली स्टील का एरिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए एस सी कहेंगे. ओके एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्स यू. ओके दिस इज द एक्स यू. एक्स यू हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, व्हाट इज द एक्स यू, एक्स यू इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, इस बीम को फर्दर डिवाइड करते हैं. ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना प्लीज. दिस वन इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द टेंशन रिइंफोर्समेंट. ओके आप यहाँ पे देखिए, इस बीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. ध्यान से देखते चलिए कैसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं, तो जिससे आपको एकदम अच्छे से सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके का हमारे पास रिइंफोर्समेंट है. और सेकेंड में डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो बीम है डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम, इसको हमने ब्रेक कर दिया. इस बीम को स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, ब्रेक किया है. एक तो हमारे पास ये वाला बीम है, एक हमारे पास ये वाला बीम है, और बीच में हम लोग को क्या कर दे रहे हैं, इसको प्लस कर दे रहे हैं, मीन्स ऐड कर दे रहे हैं. अब ध्यान से देखिए, ये बीम है जिसको एक्चुअल में हमने बनाना है, वो हमारे पास ये बीम है. अच्छा, ये बीम कितना लोड, कितना मूवमेंट को कैरी कर रहा होगा, ये वाला बीम जो मूवमेंट कैरी करेगा वो है हमारे पास एम यू. एम यू मीन्स अल्टीमेट मूवमेंट को क्या करेगा, कैरी करेगा, जो ड्यू टू क्या होगा, लोड होगा. ओके अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो है हमारे पास इस तरीके का बीम, ठीक है, इसमें हमने जैसे थ्री बार यूज़ किए. एक हमारे पास है इस तरीके का, एक दो, और यहाँ पे भी हमने क्या बना रखा है, सेम इस लाइन को भी हम लोग आगे तक लेके जाते हैं फर्दर, ठीक है, लाइक दिस. तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको यूज़ किया, ठीक है. अब आप कहेंगे सर ऊपर तो तीन बार हैं, यहाँ पे पांच बार है, अभी हम लोग रिप्रेजेंट फाइव बार्स कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बार को ऐड नहीं करना है प्लीज़. ये हमारे पास जो एरिया है ए एस टी, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है हमारे पास ए एस टी वन. ओके ये एरिया हमारे पास क्या है, ए एस टी वन. एंड ये जो एरिया है, दिस एरिया इज़ द ए एस टी टू. बट व्हाट इज़ द कंडीशन, कंडीशन सिंपल सा आपने याद रखना है. कंडीशन ये है, ए एस टी वन, सॉरी ए एस टी, ए एस टी इट इज़ इक्वलेंट ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू. ठीक है, ये कंडीशन होता है, आपने ध्यान देना है. जो ये एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, इट इज़ इक्वलेंट ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू. ओके नंबर ऑफ बार पे नहीं जाना आपने. नेक्स्ट हमारे पास ये, हमारे पास सेम जितना ए एस सी है उतना ही ए एस सी है. ध्यान से समझना, दिस बीम इज नॉन एज द, दिस बीम इज नॉन एज द स्टील बीम. ओके स्टील बीम. आप कहेंगे सर ये कैसे, क्योंकि देखिए इसमें कॉन्क्रीट यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ रिइंफोर्समेंट यूज हो रहा है. ये वाला जो रिइंफोर्समेंट है, दिस रिइंफोर्समेंट इज द ए एस सी. ओके एंड दिस रिइंफोर्समेंट इज द ए एस टी टू.
ध्यान से देखिए इसको, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा कि ये वाला जो बीम है, दिस बीम इज नॉन एज द स्टील बीम, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टील बीम में कौन कौन सा है, AST2 और ASC, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट को यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, ये कितने मूवमेंट को कैरी कर रहा है, MU मूवमेंट को कैरी कर रहा है। तो ये वाला जो बीम है, ये जो मूवमेंट को कैरी करता है, ये MU लिम मूवमेंट को क्या करता है, कैरी करता है। कितने मूवमेंट को, MU लिम मूवमेंट को कैरी करता है। तो ये वाला कितने को कैरी करेगा, ये वाला जो बीम है, तो प्लीज़ रिमेंबर, ये वाला हमारे पास जो मूवमेंट कैरी करता है, ये MU माइनस MU लिम के इक्वलेंट क्या करता है, कैरी करता है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करिए, व्हाट इज़ द MU, व्हाट इज़ द MU लिम, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जब भी आपके पास सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम होता है, तो आप क्या करते हैं, MU लिम का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास है, इफ़ MU लिम ग्रेटर देन MU, मीन्स जो आने वाला मोमेंट है, अगर MU लिम की वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो इस केस में हम लोग कौन सा बीम डिज़ाइन करते हैं, सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ओके, इफ़ सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़ MU लिम, ओके, MU लिम लेस देन किससे है हमारे पास, MU से, तो इस केस में डबली रिइंफोर्समेंट बीम को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिज़ाइन करते हैं। तो पहला काम क्या है, हमारे को MU और MU लिम की वैल्यू फाइंड करना है, उनको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ में। इफ़ MU इज़ ग्रेटर देन MU लिम, देन हम लोग क्या करेंगे, डबली रिइंफोर्समेंट बीम को डिज़ाइन करेंगे। अब ध्यान देना, चाहे सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है या डबली रिइंफोर्समेंट बीम है, TB में, LB में, कोई भी बीम ओवर रिइंफोर्समेंट में डिज़ाइन नहीं होता है। ऑल टाइप्स ऑफ बीम आर डिज़ाइन इन अंडर रिइंफोर्समेंट कंडीशन, ये पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स ने क्या रखना है, याद रखना है। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये हमारे पास क्या है, AST, तो यहाँ से कितना आएगा, MU लिम आएगा, यहाँ से MU आएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्वेश्चन में MU तो गिवन ही नहीं कर रखा है, देखिए इन दिस क्वेश्चन MU इज़ नॉट गिवन, बट कैस, अब हमको क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, हमारे को क्या गिवन कर रखा है, यहाँ पे लोड गिवन कर रखा है, क्या गिवन कर रखा है आपको, लोड गिवन कर रखा है, लोड हमारे पास कितना है, 40 kN/m। अब इन्होंने ये कंडीशन हमको लिख करके नहीं दिया है कि ये जो लोड है ये अल्टीमेट लोड है या फिर वर्किंग लोड है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, वर्किंग लोड कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन नहीं कर रखा है तो वर्किंग लोड है। यू आर फ्री, इस क्वेश्चन को आप WSM मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप किसे कर सकते हैं, LSM मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वर्किंग स्ट्रेस से करना है या फिर LSM से सॉल्व करना है। अगर कहीं पे भी लिखा होता कि अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट मोमेंट, तो हम लोगों को पता है कि जो LSM है ये अल्टीमेट लोड थ्योरी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड दे नहीं रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट अल्टीमेट लोड फाइंड करेंगे। तो अल्टीमेट लोड क्या है बोलिए, अल्टीमेट लोड ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, लोड फैक्टर मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, वर्किंग लोड के इक्वलेंट होगा। तो आप सभी को पता हम लोग कितना लेके चलते हैं लोड के केस में, 1.5 × 40। आप इसको क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 60, मतलब 60 kN/m क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 60 kN/m के इक्वलेंट होगा, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, MU, MU इज़ द अल्टीमेट मूवमेंट ड्यू टू दिस लोड। अब हमारे को जब भी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं कर रखा है, तो हम लोग कैसे मान के चलेंगे कि जो बीम है वो हमारे पास कैसा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। आप खुद सोचिए, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लोड आता है, ड्यू टू दिस UDL लोड मीन्स W इज़ द अल्टीमेट लोड एंड L इज़ द स्पेन, इफेक्टिव स्पेन, तो वट इज़ द MU, इट इज़ इक्वलेंट WL² / 8 के इक्वलेंट होगा, यस और नो, सिंपल सा। व्हाट इज द WU इज द 60 × L, L हमारे को स्पेन कितना दे रखा है स्ट्रेंथ, 6 दे रखा है, 6 m × 6 m / 8। आप इसको सॉल्व करिए कितना आता है हमारे पास,
ये हो गया 6 × 6 = 36 × 6 = 216 / 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वलेंट आएगा, मतलब ये हो जाएगा 216 / 8। आप सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 8 × 2 = 16, ठीक है, 8 × 2 = 16, बचे कितने 5 × 8 = 56, मीन्स 270 किलो न्यूटन इनटू किसके इक्वलेंट है, मीटर के इक्वलेंट है। दिस इज द एम यू, इट इज ड्यू टू एक्टिंग लोड ऑफ द बीम, ठीक है। अब हमारे को नेक्स्ट वर्क क्या करना है, नेक्स्ट वर्क फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमको एम यू लिम का वैल्यू। बोलिए आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, एम यू लिम के हमारे पास कितने रिजल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 रिजल्ट्स होते हैं। आप सभी को याद होगा एम यू लिम, मैं यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप देखिए इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे हो गया एम यू लिम और यहाँ पे हो गया हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं ग्रेड ऑफ स्टील। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जैसे कि Fe 250, ओके, Fe 415, ओके, एंड Fe 500। अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में तो आप इस तरीके से लिख करके आएंगे तो आप टीचर आपको एक छोटा सा भी नंबर नहीं काटेगा। तो यह है 0.148 FcKBD², ये वैल्यू है 0.138 FcKBD², और ये वैल्यू है 0.133 FcKBD². ये हमारे पास होता है एम यू लिम का वैल्यू, जब आप क्या करेंगे पुट करेंगे ये सारा कुछ 0.87 FIST वाले फॉर्मूले में जब आप पुट करिए ये हमारे को मिल करके यहाँ से आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास रिजल्ट है 0.148 FcKBD², 0.138 FcKBD². अच्छा इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे 0.36 FCK वाले में, ठीक है ना। XU max/D का जब वैल्यू पुट करेंगे सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये वैल्यू रिजल्ट मिल जाता है। अब हमारे को कौन सा गिवन कर रखा है, हमें गिवन कर रखा है Fe 415। तो इस केस में क्या आंसर आएगा हमारे पास बोलिए, तो हम लोगों को अगर एम यू लिम का वैल्यू फाइंड करना है तो एम यू लिम किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम यू लिम इट इज इक्वलेंट 0.138 FcKBD². ऑल डाटाज आर गिवन, तो हम लोग सिंपल सा फाइंड कर सकते हैं 0.138 FcK इज द 20, बी का वैल्यू कितना गिवन किया स्टूडेंट्स, बी हमारे को है 250, ओके 250, एंड डी का वैल्यू कितना है 500 का होल स्क्वायर। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है 172.5 किलो न्यूटन इनटू मीटर आएगा। अब आप खुद सोचिए व्हाट इज़ द एम यू का जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज 270 किलो न्यूटन इनटू मीटर, एंड व्हाट इज़ द एम यू लेम इट इज़ इक्वलेंट 172.5 किलो न्यूटन इनटू मीटर। तो विच वन इज़ ग्रेटर MU इज ग्रेटर देन MU लिम, तो कौन सा बीम का डिज़ाइन होगा बोलिए, हम लोग कहेंगे इस केस में डबली रिइंफोर्समेंट बीम का क्या होगा स्टूडेंट्स, डिज़ाइन होगा, ओके, डबली रिइंफोर्समेंट बीम का क्या होगा, डिज़ाइन होगा, सिंपल सा, यस और नो, यही हमारे पास फॉर्मूले होते हैं फाइंड करने के, ओके। अब हमारे को फाइंड क्या करना है, देखिए ध्यान से इस, अब हम लोग अपने फॉर्मूले डायग्राम में आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए ये वाला जो AST है AST1, ये हमारे पास, अब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए दिस वन इज़ द AST लिम, ओके AST लिम, मतलब जो बैलेंस सेक्शन में या फिर हम लोग लिमिटिंग सेक्शन में जो स्टील देख रहे हैं वो हमारे पास क्या आएगा AST लिम, एंड दिस स्टील इज़ द AST2। अच्छा ध्यान से देखिए हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एम यू लिम का फॉर्मूला लिखिए उसको 172.5 के इक्वलेंट करके आप क्या कर सकते हैं AST लिम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, ध्यान से देखिए मैं दोनों कंडीशंस बता देता हूँ आपको, जैसे एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। ध्यान से देखिए
कोई भी फॉर्मूला है, जैसे हमको एम यू लेम का फॉर्मूला पता करना है, तो व्हाट इज़ द एम यू लेम, 0.87 एफ वाई ए एस टी लेम, ओके, इन ब्रैकेट क्या होगा हमारे पास स्ट्रेंथ, बोलिए, डी माइनस 0.42 एक्स यू लेम। क्यों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एम यू लेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, इस केस में आपको सारा कुछ गिवन कर रखा है, आप ए एस टी लेम का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक और भी हमारे पास रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, एक होता है पी टी लेम, बोलिए, पी टी लेम, इट इज़ इक्वलेंट, क्या होता है हमारे पास, 41.4 मल्टीप्लाई एफ सी के अपॉन एफ वाई मल्टीप्लाई एक्स यू लेम डिवाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, डी के इक्वलेंट होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द परसेंटेज लिमिटिंग स्टील, ठीक है, परसेंटेज लिमिटिंग स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, या फिर लिमिटिंग स्टील की बात कर सकते हैं आप। इट इज़ इक्वलेंट, ये हमारे पास किसके इक्वलेंट होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ इक्वलेंट ए एस टी लेम, ओके, ए एस टी लेम डिवाइड में बी डी मल्टीप्लाई 100, ये इसके इक्वलेंट होता है। इट इज़ इक्वलेंट दिस रिजल्ट 41, ठीक है, 41.4 मल्टीप्लाई एफ सी के अपॉन एफ वाई मल्टीप्लाई एक्स यू लेम बाय डी, ये रिजल्ट एक दूसरे के क्या है, इक्वलेंट, ओके। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा आप क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको आपको फाइंड करना है ए एस टी लेम का वैल्यू, तो हम लोग इस बी डी को क्या कर देंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई सिंपल सा कर देंगे। अब आपको सभी को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सारे छोटे छोटे डेरिवेशन आते हैं, जैसे दो नंबर का क्वेश्चन आ गया, पी टी लेम को बताइए फॉर्मूला, ड्राइव करके बताइए कैसे आ रहा है फॉर्मूला, तो सिंपल सा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, यस और नो, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, ये फॉर्मूला होता है, यस और नो। हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स यू लेम और ये हो जाएगा ए एस टी लेम, यस और नो। तो इस केस में आपको अगर एक्स, आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको जैसे ए एस टी लेम का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ए एस टी लेम, ओके, ए एस टी लेम, ओके, बाय बी डी मल्टीप्लाई 100। तो मैं इसको देखिए कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 0.36 अपॉन 0.87 मल्टीप्लाई एफ सी के अपॉन एफ वाई मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई एक्स यू मैक्स, एक्स यू मैक्स डिवाइड में डी मल्टीप्लाई 100। ये ध्यान से देखिए ये कैसे आया, ए एस टी लिम का अगर आपको वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको ए एस टी लिम का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एस टी लिम के लिए इस वाले को डिवाइड कर देंगे इस साइड में, और जो बी और डी को हमने क्या किया, अब देखिए डी नहीं दे रखा है, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड में डी का मल्टीप्लाई कर लिया, डी डी का मल्टीप्लाई कर लिया, क्या यही फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप सॉल्व करिए, 0.36 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0.87, ठीक है, इट इज़ इक्वलेंट 41.4, ये इसके इक्वलेंट आएगा। तो यही रिजल्ट है हमारे पास, ए एस टी लेम बाई बी डी इंटू 100 इक्वल टू 41.4 मल्टीप्लाई एफ सी के अपॉन एफ वाई मल्टीप्लाई एक्स यू लेम मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, डिवाइड में डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है ये, तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लग सकता उसमें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ए एस टी लेम बाई बी डी इंटू 100 इक्वल टू 41.4 मल्टीप्लाई एफ सी के अपॉन एफ आई मल्टीप्लाई एक्स यू लेम बाई डी, इसके इक्वलेंट आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करिए, सारे रिजल्ट्स पुट कर दीजिए, पुट करिए, आपको सारा रिजल्ट गिवन कर रखा है। सिंपल सा क्या है हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, आप इस 100 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.144, ठीक है, मल्टीप्लाई एफ सी के इज़ द 20 अपॉन एफ वाई इज़ द 415 मल्टीप्लाई एक्स यू लेम बाई डी इन केस ऑफ एफ ई 415 इट इज इक्वल 0.48 मल्टीप्लाई बी इंटू डी, बी इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी इज़ द 250 एंड डी इज़ द 500। आप जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ए एस टी लेम का जो वैल्यू आएगा
ये फाइनली हम आपको वैल्यू बता देते हैं कितना आ रहा कैलकुलेशन करने के बाद में। ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा आपको 1200 के इक्वल है। सॉल्व कर लीजिए, ये इसके इक्वलेंट आ जाएगा। तो आपको ए एस टी लिम का वैल्यू पता चल गया। अब आपको किसका वैल्यू पता करना है स्टूडेंट बताइए। अब आपको पता करना है ए एस टी टू का। तो आप खुद से सोचिए, ए एस टी लिम, ए एस टी जो था हमारे पास वो किसके इक्वल है। ए एस टी इक्वल टू ए एस टी लिम प्लस प्लस ए एस टी टू। अब हमारे को ए एस टी लिम तो पता चल गया, अब हमारे को ए एस टी टू का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कौन से मूवमेंट को रजिस्ट कर रहा है, एम यू माइनस एम यू लिम। इस मूवमेंट को कौन सा स्टील रजिस्ट कर रहा है, ये वाला ए एस टी टू रजिस्ट स्टील रजिस्ट कर रहा है। 0.87 एफ वाई ए एस टी टू डी माइनस डी डैश। इस फॉर्मूले को आप क्या करिए, यूज करिए। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को क्या करिए, यूज करिए। इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सारा कुछ गिवन कर रखा है। तो व्हाट इज द ए एस टी टू, अब तो सिंपल सा है ये, ए एस टी टू इट इज इक्वलेंट एम यू माइनस एम यू लेम अपॉन 0.87 एफ वाई डी माइनस डी डैश। ऑल डाटाज आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एम यू का वैल्यू कितना था जो हम लोगों ने सॉल्व किया, 270। एम यू लिम का कितना था, 172.5 क्लोन न्यूटन इनटू मीटर। यस और नो, तो आप इसको क्या करिए, 10^6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा आपको, ये वैल्यू आ जाएगा आपको न्यूटन इनटू एमएम में, डिवाइड में। डिवाइड में कितना स्टूडेंट, 0.87। व्हाट इज द एफ वाई, 415 मल्टीप्लाई डी, डी इज द 500 माइनस डी डैश 50। ओके, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, ए एस टी टू का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए एस टी टू इट इज इक्वलेंट, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा आपके पास 600 के इक्वल, 600 mm स्क्वायर। तो बोलिए व्हाट इज द ए एस टी, ए एस टी इज द ए एस टी लिम, वो कितना हमारे पास, 1200 प्लस 600 इट इज इक्वलेंट 1800 mm स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एस टी का। अब नेक्स्ट हमारे क्या फाइंड करना है, ए एस सी। अब आप ध्यान से समझिए, ए एस सी का वैल्यू कैसे फाइंड करें हम लोग। यस, ये आप खुद सोचिए, जो हमारे पास क्या था, बीम था, वो बीम कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हमारे पास जो ये रिइंफोर्समेंट है, दिस रिइंफोर्समेंट इज द ए एस टी टू। ओके, और एक रिइंफोर्समेंट यहाँ पे, दिस रिइंफोर्समेंट इज द ए एस सी। आप खुद से सोचिए, एक हमारे पास क्या है, एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, ठीक है, और एक एक्सिस यहाँ से पास कर रही है। तो आपको पता ही है, एक यहाँ पे फोर्स होगा और एक यहाँ पे फोर्स होगा। तो जब भी हमारे को क्या क्या करना है, कोई भी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, टेंसाइल फोर्स। तो सी मल्टीप्लाई जब इसके ठीक इक्वलेंट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एस सी मल्टीप्लाई ए एस सी इट इज इक्वलेंट 0.87 एफ वाई ए एस टी टू के इक्वलेंट हो जाएगा। ओके, ऐसा है नहीं है, ऐसा ही होता है। एफ एस सी, ये बैलेंस कब रहेगा, एफ एस सी मल्टीप्लाई ए एस सी। आप इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इतना जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम किस में आएगी स्टूडेंट्स, आपको मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, ए एस सी इट इज इक्वलेंट 0.87 एफ वाई ए एस टी टू। ओके, डिवाइड में क्या जाएगा, एफ एस सी। तो व्हाट इज द एफ एस सी, तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बोला था, अगर एफ एस सी का वैल्यू गिवन नहीं कर रखा है, तो इन केस ऑफ एफ ई 250, ओके, एफ ई 250 के केस में व्हाट इज द एफ एस सी, इट इज इक्वलेंट 217.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हमारे को किसके केस में, एफ ई 415 के केस में भी गिवन नहीं कर रखा है रेशियो, एक टेबल होती है हमारे पास स्ट्रेन एंड स्ट्रेस में, नहीं गिवन कर रखा है, तो इस केस में हम लोग कितना कंसिडर कर चलेंगे स्ट्रेन, 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वन इज द एफ ई 500। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एफ एस सी इक्वल टू 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपको और भी चाहिए, नहीं सर मेरे को तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, एफ एस सी इक्वल टू एफ साइलेंट एस सी मल्टीप्लाई ई एस। यस और नो, बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला
और एप्सिलॉन एस सी कैसे पता करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आगे ये हमारे पास हो गया एफ ई 250। अगर आपको कुछ भी डाटा नहीं दे रखा है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपको एफ एस सी का अच्छे से एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम लोग कहेंगे पहले एफ साइन एस सी का वैल्यू फाइंड करो। क्या वैल्यू होगा हमारे पास? 1 - d - upon xu (0.0035) ये हमारे पास रिजल्ट होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एफ एस सी के साथ में, वैल्यू मिल जाएगा। अब बताइए व्हाट इज़ द ASC? ASC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.87 × FY (415) × AST2 (600) / कितना हमारे पास FSC इज़ द 350। आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगा 618.9 mm². ओके, तो यहाँ से आपको दोनों रिजल्ट मिल गए। व्हाट इज़ द AST1? AST1 इज़ द 1800 mm² एंड ASC इट इज़ इक्वलेंट 618.9 mm². ओके, अगर आपको स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बार्स भी पता करना है तो आप अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, डाया बार ले सकते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एन मल्टीप्लाई पाई बाई फोर मल्टीप्लाई फाइव स्क्वायर इट इज़ इक्वलेंट कितना जगह 1800 mm². तो जो भी आपको डाया जिस पे भी आपने क्या करना है डिज़ाइन करना है उसे आप यहाँ पे फिल करिए, एन का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं सिंपली। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका था। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मेरे को एक बार दोबारा बता दीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी माई डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपके लिए अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, यही है हमारे पास और क्या है, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बताएंगे, आप सेलेक्ट होंगे, हैं, तो फिर हमारे लिए क्या होगा, हमको अच्छा लगेगा, हम भी कह पाएंगे कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे सर इस चैनल पे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, गया में रहते हैं, सारी चीज़ें हैं, समझे नहीं समझे, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इसलिए हम लोगों का ड्यूटी बनता है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ जिससे आप कम से कम टाइम में सक्सेसफुल पर्सन बन पाएँ। ठीक, ऐसे होता है, यही है हमारा और आपका रिलेशन।